सब्सक्राइब कीजिए टेक टिप्स हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो आपने देखा होगा आपका जीमेल अकाउंट ऐसे बेकार के मेल से भरा रहता है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है, वो सारे मेल्स आपके काम के होते ही नहीं है। आप जब अपना जीमेल ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे आपको तीन चार तरह के मेल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राइमरी जो आपके काम के मेल्स होते हैं, दूसरा होता है आपको सोशल, आपने फेसबुक पे अगर रजिस्टर किया है फेसबुक अकाउंट है तो उसका मेल आपके पास आता है, और तीसरा होता है प्रोमोशनल यानी आप किसी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे आपने रजिस्टर किया है तो उसका प्रोमोशनल मेल आपके पास आता रहता है। लेकिन एक तरह का और मेल आप देखते होंगे जिसका ना आप कहीं पे जाकर रजिस्टर किया है ना ही उससे आपका कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी आपके पास मेल आता रहता है और आपका इनबॉक्स फुल होता रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के मेल से आप कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सेटिंग करने हैं आपको अपने जीमेल अकाउंट में, तो उसके लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। नमस्कार आदाब, मैं हूं इंतखाब और आप देख रहे हैं टेक टिप्स हिंदी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो क्या क्या सेटिंग करने हैं आपको अपने जीमेल अकाउंट में जिससे कि इस तरह के मेल से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना जीमेल ओपन करना है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो इसको आप अपने डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए, बाकी सेम आपको फॉलो करना है। जब आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखते होंगे तीन टैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक प्राइमरी, एक सोशल और एक प्रमोशंस। प्राइमरी में तो वो सारे आपके काम के मेल होते हैं, सोशल में आपका आपने जो आपने अगर इंस्टा या फेसबुक पे रजिस्टर किया है तो वो सारे मेल्स आते हैं, और प्रमोशंस में वो आते हैं जो आपने कहीं पर रजिस्टर किया है। लेकिन इसी प्रमोशंस वाले टैब में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे मेल्स आपके पास आते हैं जिनको आपने कभी कहीं पर रजिस्टर ही नहीं किया था, लेकिन वो सारे मेल्स भी आपके पास आते हैं। तो उसको कैसे हम ब्लॉक करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर मेरे प्रमोशंस वाले टैब में देखिए बहुत सारे ऐसे आपको मेल यहाँ पर दिखेंगे जिनको मैंने कभी कहीं पे रजिस्टर ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका मेल मेरे पास आता है। जैसे ये मेल देखिए एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको कभी मैंने कहीं पे रजिस्टर नहीं किया था लेकिन मेरे पास आया हुआ। इसको ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, सिंपल इस मेल को आपको ओपन करना है। जब आप मेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे या तो टॉप में या फिर हर मेल के बॉटम में कहीं अनसब्सक्राइब का ऑप्शन दिया होता है। जैसे यहाँ पे बॉटम में देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको आसानी से दिखेगा। देखिए यहाँ पे अनसब्सक्राइब का, यहाँ पे अनसब्सक्राइब हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे टॉप में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ था। तो आपको ढूंढ लेना है कहाँ पे है वो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन, उसके बाद से सिंपल उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके दोबारा से अनसब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है। दोबारा जब आप अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो दूसरे टैब में ये खुलेगा और यहाँ से आपको अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। सक्सेस, यू हैव बीन सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब फ्रॉम आवर मेलिंग लिस्ट टू सब्सक्राइब क्लिक हियर टू बटन, आपको दोबारा से नहीं करना, ये आपका अनसब्सक्राइब हो गया। यहाँ से अब इस मेल से दूसरा आपके पास कभी मेल नहीं आएगा। लेट सपोज ये अनसब्सक्राइब करने के बाद से भी आपके पास इस आईडी से मेल आता है, इस कंपनी से मेल आता है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन डॉट का निशान दिया हुआ है, इस तीन डॉट के निशान पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए ब्लॉक श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, मतलब ब्लॉक कर देना है इस नाम से जो भी मेल आपके पास आ रहा है इस ईमेल आईडी से नहीं आएगा। तो इस सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ ब्लॉक पे क्लिक कर देना है, अब ये आपके पास कभी भी मेल नहीं आएगा। अब क्या है कि इस ईमेल आईडी से पहले आपके पास जितने मेल आए हैं उसको क्या करना है, उसको आपको डिलीट करने के लिए इसका ईमेल आईडी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद से सर्च बटन में जाकर ईमेल आईडी को अपने टाइप पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है, तो फिर उस ईमेल आईडी से जितने भी मेल्स आया होगा आपके पास उसका लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद से क्या करें, सिंपल आपको सिलेक्ट ऑल पे ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है, आप डिलीट पे क्लिक कर दें, या फिर बगल में यहाँ पे आपको रिपोर्ट स्पाम का ऑप्शन दिया हुआ है, रिपोर्ट स्पाम पे भी क्लिक करेंगे तो दोबारा कभी नहीं आएगा। सिंपल ऐसे इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद से इस ईमेल आईडी से आपके पास आपके जीमेल अकाउंट में कभी भी कोई भी मेल नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।